हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ सिर्फ दो पोटैटो से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी क्रंची एक ऐसी पोटैटो की रेसिपी जो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। 10 मिनट में बनकर रेडी हो जाएंगी और इसे हम 1 से 1.5 में ना स्टोर भी कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से ये रेसिपी बनकर रेडी होती है। एक बार ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आएंगी। रेसिपी पसंद है तो ज़रूर से मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले 250 ग्राम हम बॉयल पोटैटो लेंगे, उसके ऊपर के छिलके उतार लेंगे और बॉयल करने के बाद इसे अच्छी तरह से हमने निथार के रखा है ताकि इसमें पानी बिल्कुल भी ना रहे। अब इस तरीके का कोई कद्दूकस लेंगे और इन पोटैटो को जो है तो कद्दूकस कर लेंगे, लेकिन एक बात का यहाँ पर ख्याल रखिएगा कि जो एकदम बारीक वाला कद्दूकस होता है ना उससे हमें करना है, क्योंकि इन पोटैटो को हमें बहुत ही अच्छी तरीके से मैश करके लेना है या फिर बारीक शेडर से शेड करके लेना है ताकि इसमें बिल्कुल भी जो है तो लम्स ना रहे। अगर इसमें थोड़ा सा भी लम्स रह जाएगा तो ये जो हमारा स्नैक्स है तो फट जाएगा ऑयल में डालने के बाद, तो इस बात का ज़रूर ख्याल दीजिएगा। तो इस तरह से जो है तो हम सारे पोटैटो को शेडर से शेड कर लेंगे, बहुत ही आसानी से हो जाता है, बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती। अब इसमें हम 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर लेंगे, यानी हमने इसे ब्लैक पेपर को छन्नी भत्ते में दर दरा कूट कर लिया है। 1/2 टीस्पून सॉल्ट लेंगे, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हो। 1/2 टीस्पून अजवाइन लेंगे जिसका बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। 5 टेबल स्पून जो है तो हम कॉर्नफ्लावर लेंगे, अगर आपके पास में कॉर्नफ्लावर ना हो तो आप इसके अलावा मैदा भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैदा या कॉर्नफ्लावर ज़रूर यूज़ कीजिएगा क्योंकि बहुत क्रिस्पी बनते हैं इससे। अब इसमें 4 टेबल स्पून जो है तो सूजी लेंगे। सूजी हम इसलिए यूज़ करेंगे, एक तो सूजी से एकदम क्रिस्पी करारा बनेगा और दूसरा अगर आलू में थोड़ा भी ज़्यादा मॉइस्चर होगा तो ये सूजी पूरा एब्जॉर्ब कर लेती है मॉइस्चर को और ये स्नैक्स बहुत ज़्यादा क्रिस्पी क्रंची बना देंगी। तो 4 टेबल स्पून हम जो है तो सूजी लेंगे। 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी को हाथों से क्रश करके लेंगे ताकि जो है तो इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो गया। अब एक स्पेचुला लेंगे और इससे अच्छी तरह से जो है तो इसे मिक्स कर देंगे, लेकिन इसका जो है तो हमें डो लगाना है। तो यहाँ पर हम एक बात का ज़रूर ख्याल रखेंगे कि इसमें जो है तो पोटैटो होता है उसके मॉइस्चर पे भी जो है तो सूजी और कॉर्नफ्लावर का मेजरमेंट लगता है। अगर आपके पोटैटो में मॉइस्चर ज़्यादा होगा तो सूजी और कॉर्नफ्लावर आपको ज़्यादा डालना पड़ेगा, और अगर आपको एग्जैक्ट हमारी तरह ये स्नैक्स बनाना है तो ज़रूर से आलू को बॉईल करने के बाद में 1-1.5 घंटा निथरने के लिए छोड़ दीजिएगा तो आलू बहुत अच्छे ड्राई हो जाते हैं, फिर छील कर उसे शेडर से शेड कीजिएगा। अब यहाँ पर सूजी में और जो पोटैटो में बिल्कुल भी हमें वाटर इस्तेमाल नहीं करना। जैसे जैसे इस डो को हम नीट करते जाएंगे वैसे वैसे जो है तो पोटैटो अपना मॉइस्चर छोड़ते जाएंगे और इसका डो बनते जाएगा और बहुत ही बढ़िया बनकर रेडी होता है। गलती से अगर आपने इसमें वाटर डाल देंगे तो इतना पतला हो जाएगा कि फिर आपको इसका स्नैक्स बनाते ही नहीं आएगा, वरना आपको इसकी चकली या पकोड़े बनाना पड़ेगा, इतना पतला हो जाएगा क्योंकि आलू में नमक डालने के बाद में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर छोड़ता है। तो इसे अच्छी तरह से 10 से 15 मिनट हमें मसल कर रेडी करना है ताकि ये जो पोटैटो का डो है इसका कलर भी एकदम वाइट हो जाए और ये बढ़िया तरीके से सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए गाइस, यहाँ पर एक बूंद भी हमने इसमें पानी इस्तेमाल नहीं किया। अब इसे साइड में रख देंगे, लेकिन यहाँ पर एक बात का फिर से ख्याल रखेंगे कि इस डो को बनाने के बाद में रेस्ट पर मत रखेंगे। अगर रेस्ट पर रखेंगे तो ये फिर से पोटैटो पानी छोड़ देंगे जबकि जब भी हमें स्नैक्स बनाना है। अब एक चकला लेंगे, उसे जो है तो एक ऑयल से ऑयलिंग कर लेंगे, यानी ब्रश से ऑयलिंग कर लेंगे और उसके ऊपर जो हमारा डो है तो उसे भी अच्छे तरह से चिकना कर लेंगे। अब ये हमने ऑयलिंग इसलिए किया कि हम इसका स्नैक्स बनाएंगे ना तो नीचे से चिपके ना, बहुत ही अच्छा बनकर रेडी होता है। एक इसका जैसे हम रोटी बनाते हैं ना उस तरह का एक बड़ा सा बोल बनाना है, और बोल बनाने के बाद में इसकी एकदम मोटी सी रोटी बनाना है। जितना ज़्यादा थिक आपको स्नैक्स चाहिए उतना ज़्यादा थिक रखिए आपकी इसकी कंसिस्टेंसी, जितना पतला चाहिए उतना पतला रखें, लेकिन हम ना ज़्यादा थिक रखेंगे ना ज़्यादा थिन रखेंगे, बस इस तरह का मीडियम कंसिस्टेंसी इस रोटी की रखेंगे। अब एक नाइफ लेंगे और चारों तरफ से जो है तो इसके एजेस काट लेंगे, यानी किनारे निकाल लेंगे। इसकी थिकनेस देख लीजिए, इस तरह की हमने रखी है, जैसे शंकर पाड़े हम बनाते हैं ना बस उसी तरह की इसकी थिकनेस हमने रखी है। बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बनकर रेडी होता है, स्नैक ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अब हम इसका स्क्वायर शेप का एक बॉक्स जैसा बना लेंगे और फिर इसे छोटे छोटे इसका स्क्वायर शेप के छोटे छोटे पीसेस बना लेंगे। आप चाहते हो तो आप कोई और शेप भी दे सकते हो, लेकिन ये शेप बहुत आसानी से बन जाता है और सभी को बहुत पसंद आता है। जैसे पोटैटो नगेन्स वगैरह होते हैं ना उससे भी कहीं ज़्यादा इसका टेस्ट बढ़िया आता है। आप इस तरह से जो है तो इसे
इसके छोटे छोटे पीसेस बना लेंगे और इसे एक प्लेट में निकाल कर 1 से 1.5 घंटा फ्रीज में रख देंगे। और अगर आपको जो है तो इसे स्टोर करना है तो फिर 1-2-3 घंटे फ्रीज़र में प्लेट में ही इस तरह से रख देंगे और फिर एक जिप्लॉक बैग में जो है तो ये पीसेस भर कर रख देंगे। जब भी हमें बनाना हो तो 10 से 15 मिनट पहले जिप्लॉक बैग जो है बाहर निकालेंगे, इसे रूम टेम्परेचर पर आने देंगे और फिर इसे फ्राई कर लेंगे। हम तो इंस्टेंट ही बना रहे हैं तो हमने इसे 1 से 2 घंटा फ्रीज में रखा। कट करने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी भी आपको बता दी किस तरह से रखना है। और 2 से 3 घंटे के बाद में गैस ऑन करेंगे, गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे, कढ़ाई में ऑयल इतना डालेंगे कि अच्छी तरीके से डीप हो जाए और मीडियम टू लो फ्लेम पर जो है तो हमारा स्नैक्स डाल देंगे। और जब तक इसे टच नहीं करेंगे तब जब तक ये अपने आप जो है तो फ्राई होकर ऊपर ना आए। अब देखिएगा 7 से 8 मिनट में फ्राई होकर ऊपर आ जाते हैं, फिर हम इसे जो है तो नीचे ऊपर करके इसे इसकी पोजिशन चेंज कर देंगे ताकि नीचे से ऊपर से दोनों तरह से इसका कलर बढ़िया से आ जाए। अब ऊपर आने के बाद में हम फुल फ्लेम पर भी इसे कलर ला सकते हैं। इस टाइम पर ने फुल फ्लेम कर दिया है और 3 से 4 मिनट में जो है तो इसका कलर बहुत ही बढ़िया आ जाता है। देखिएगा इस कितने अच्छे गोल्डन ब्राउन हो चुके। आपको एक्स्ट्रा क्रिस्पी चाहिए तो फिर आप इससे ज़्यादा इसे ब्राउन कीजिए, वरना अगर आपको ज़्यादा क्रिस्पी नहीं चाहिए तो इस टाइम पर भी हम जो है तो इसे निकाल सकते हैं। लेकिन हमें एक्स्ट्रा क्रिस्पी पसंद है ना, हम 2 से 3 मिनट और भी इसे फ्राई करेंगे और फ्राई करने के बाद में एक प्लेट में हम इस तरह से जो है तो निकाल लेंगे। 3 से 4 मिनट में बहुत ही आसानी से फ्राई हो जाते हैं। लेकिन इसका मेथड याद रखिए, पहले स्लो फ्लेम पर जो है तो ऊपर आने तक के इसे फ्राई करना है, फिर फुल फ्लेम पर इसे फ्राई करना है ताकि ऊपर से कलर आ जाए और अंदर से पक भी जाए। अब इसे निकाल लेंगे और जो भी हमारा सेकंड बैच है वो भी इसी तरह से फ्राई करेंगे। अब इसका आवाज़ सुनिए कितने ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं। एक मैं आपको तोड़कर बताऊंगी कितने ज़्यादा क्रिस्पी क्रंची बने हैं। ऊपर से थोड़ा सा धनिया पत्ते से डेकोरेट करेंगे तो लीजिएगा इस हमारे बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी क्रंची जो है तो पोटैटो स्नैक्स रेडी है। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ से मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। साइड में जो बेल बटन आता है उस कॉल पर क्लिक कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।